विश्व हिंदू परिषद के नेता को मारी गोली। मोहन भागवत के बयान के बाद हुआ हमला। दोस्त नहीं मार दी दोस्त को गोली। वारदात के बाद से पूरे जिले में फैली सनसनी। विश्व हिंदू परिषद के महानगर सहमति संतोष पंडित को सरेआम गोली मार दी गई। हमलावर संतोष के साथ ही मौजूद था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान रहे, क्योंकि कातिलाना हमला करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि संतोष पंडित का दोस्त है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये वारदात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अंजाम दी गई। हमारा एक कार्यकर्ता संतोष पंडित, उसके गोली लगी है, मारने वाले ने गोली मारी है। अपने ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए, और उसे कुछ इतना ही कहूँगा जिसने गोली मारी उसको सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं क्या वजह थी, क्या मैं टूटा होता, मुझे तो अभी ये पता चला है कि उसने गोली मारी। और मैं इतनी बात सुन के भाग कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, आप इतना ही सहयोग करिएगा कि इसको सजा मिलनी चाहिए, जल्दी जल्दी गिरफ्तार हो। ठीक है, ठीक है। किसने मारी कुछ पता है? कोई रजत नाम का लड़का, उसका नाम संतोष पंडित। इलाके में दहशत फैलाता ये मामला मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके के दिल्ली रोड का है, जहां साई अस्पताल के पास एचडीएफसी बैंक के सामने विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष पंडित को गोली मार दी गई। गोली मारने वाले रजत शर्मा ने कहा कि जो परशुराम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि वारदात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर अंजाम दी गई, क्योंकि इस बयान की वजह से सोशल मीडिया पर संतोष पंडित और अजय शर्मा के बीच बहस हुई थी। देखिए, अभी शाम में थाना मझोला में करीब आधे घंटा पहले एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। इसी पे मेरे द्वारा अस्पताल में आके और जो मजरूब है, जो घायल है, उनसे बात की गई है, और ये जानकारी मिली है कि संतोष पंडित नाम के ये व्यक्ति हैं, जिनको रजत शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अभी घायल से मेरी बात हुई है और उनकी हालत स्थिर है, और गोली उनके पेट में है, और अभी एक्सरे और एमआरआई वगैरह करा दिया गया है, और उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी उनके सभी वाइटल ऑर्गन है वो सुरक्षित हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, और जो दोषी है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, और इसमें सीओ सिविल लाइन एसपी सिटी साहब और थाना प्रभारी मझोला, थाना प्रभारी नागपनी और थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम लगा दी गई। हमारी एसओजी टीम भी इसमें काम कर रही है, शीघ्र ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की। आरोपी रजत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आपस में अच्छे इनके संबंध थे, लेकिन किसी बात पर इनमें आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई, उसी में ये घटना हुई है, और इसमें जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ब्राह्मण महासभा से भी जुड़ा हुआ है, और हाल ही में मोहन भागवत के बयान के विरोध में उसने अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद से संतोष और रजत में तनातनी भी चल रही थी। हालांकि संतोष पंडित को गोली मारने के बाद रजत फरार हो गया, लेकिन फिलहाल 3 दिनों के बाद आखिरकार रजत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। तो वहीं दूसरी तरफ संतोष पंडित की हालत संजीदा बनी हुई है। फरीदाबाद से न्यूज नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ नासिर खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।